Welcome to my kitchen, Asha Spices, simple, easy and quick recipes. तो आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल मेरे किचन की तरह सिंपल, इजी और क्विक रेसिपी. नाम है डलगोना कॉफी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और यम्मी है. तो आइए देखते हैं डलगोना कॉफी की रेसिपी इन माय स्टाइल. डलगोना कॉफी बनाने के लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के लगभग चीनी, 2 बड़े चम्मच के लगभग इंस्टेंट कॉफ़ी. आप किसी भी कंपनी का कॉफ़ी ले लीजिए, मैंने यहाँ ब्रू इंस्टेंट कॉफ़ी लिया है, और 2 बड़े चम्मच के लगभग गुनगुना पानी, और यहाँ पे चिल्ड दूध 150 ml. और अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, इसमें चीनी ऐड करेंगे, कॉफ़ी ऐड करेंगे, और पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. बिल्कुल मैंने आधे 1 चम्मच के लगभग पानी ले लिया है, और इसे बीट करेंगे. लगातार इसको बीट करते रहेंगे. अगर आपके पास बीटर है तो आप बीटर की सहायता से भी इसे बीट कर सकते हैं. और बीट करते करते आप देखेंगे धीरे धीरे ये अपना कलर चेंज करता रहेगा. इसको बीट करने में कम से कम हमें 10 से 12 मिनट लगेंगे. यहाँ मेरे पास ये हैंड बीटर है, आप स्पून से भी कीजिए, और मैं यहाँ पे हैंड बीटर से इसे लगातार बीट करूंगी. ये देखिए धीरे धीरे इसमें झाग आने लगा है, तो इसे हम इस तरह बीट करते रहेंगे. और यहाँ पर इसने अपना हल्का सा कलर चेंज कर दिया है, थोड़ा सा लाइट हो गया है. इसी तरह हम इसे और लगातार बीट करते रहेंगे. और अगर आपके पास स्पून है, यहाँ मैंने स्पून से भी करना शुरू किया है, दोनों तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ. और अगर आपके पास स्पून है तो ले लीजिए, स्पून से भी हम इसको लगातार करते रहेंगे. देखिए धीरे धीरे इसका कलर लाइट होता जा रहा है, और यहाँ जैसे ही ये थोड़ा सा टाइट लगे, जैसे थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, बीट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे पास जो बचे हुए थोड़े से गुनगुने पानी थे उसको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद भी इसे लगातार मैं बीट करती रहूँगी. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलर और भी लाइट होता जा रहा है, और चीनी और कॉफ़ी अच्छी तरह से घुल चुकी है. तो हम इसे थोड़ी देर और बीट कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा ज़्यादा इसमें झाग आए. अगर आपके पास बीटर है तो ये 5 से 6 मिनट में बन जाएगी, लेकिन अगर आप स्पून से कर रहे हैं तो इसमें 12 से 15 मिनट तक आपको बीट करने में टाइम लग जाएगा. बहुत ही डिलीशियस है ये कॉफ़ी, और बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी. आप देख रहे, देखिए इसको मैं थोड़ा सा और करूंगी. और यहाँ पर ये बिल्कुल लाइट कलर का हो गया है, चीनी और कॉफी दोनों ही अच्छी तरह से घुल चुकी है. तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया टेक्सचर तैयार हो गया है. तो अब हम इसे सर्व करेंगे दूध के साथ. और यहाँ मेरे पास चिल्ड दूध, जिसे मैंने थोड़े से चीनी के साथ पहले से ही बॉईल कर लिया है, तो आधी ग्लास के लगभग मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, और जो हमने ये मिक्स तैयार किया है वो इसके अंदर. ये यहाँ पे मैंने पोर कर लिया है, और इसको थोड़ा डेकोरेट करूंगी मैं. तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक हार्ट शेप पेपर को पहले से ही काट लिया था, और ये मेरे पास कोको पाउडर, इसे मैं यहाँ पे दे दूंगी.
तैयार। हॉट शेक मैंने इसे गार्निश कर लिया है और मैं दूसरे ग्लास को भी तैयार कर लूँगी। और अगर आपको ज़्यादा ठंडा दूध पीना है, ज़्यादा ठंडा दूध पसंद करते हैं, तो 3 से 4 क्यूब मैंने आइस क्यूब डाल दिए हैं, थोड़ा सा दूध और मैं जो बच्चे से हैं मेरे कॉफ़ी। वाह बहुत डिलीशियस है और बहुत ही आसान है बनाने में, आप इसे आसानी से घर में बना सकते हैं। और बचे हुए मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं इसे वेस्ट नहीं करूंगी। और इसे मैं गार्निश करूंगी थोड़े से मेरे पास डेरी मिल्क चॉकलेट, तो थोड़ा सा ग्रेटेड चॉकलेट के साथ मैं इसे गार्निश कर दूंगी। और ये बनकर तैयार दलगोना कॉफ़ी, बहुत ही ईजी है, आप भी इसे घर में बनाइए। मुझे कमेंट करना ना भूलें आपको ये कॉफ़ी कैसी लगी है, बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग है ये दलगोना कॉफ़ी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी बनाई हुई ये दलगोना कॉफ़ी की रेसिपी जरूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।